ॐ जय कृष्णाय नमः। जग तारक है चरणों में नमो नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। भक्त वत्सल कृपालु कृपा है करते, स्वामी कृपा है करते, झोलिया है भरते। ओम जय गुरुदेवाय नमः। इस तरह के ब्राह्मण भीख मांगते रहे तो भीख देने वाला भाग जाएगा। ये ब्राह्मण नहीं, ये धूर्त था, इसको राज से बाहर निकालो, काशी से बाहर निकालो। एक ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। तुम भी था आनंद उसमें ना, तुम लोग भी था, कोई तैयार नहीं हुआ। वह ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं है राजन, थोड़ा बहुत तो संकल्प मैं भी जानता हूं, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूं मंत्र। चलो मैं संकल्प करा देता हूं, तो दान दो। तुम देने वाला, मैं लेने वाला, तीसरी क्या जरूरत। राजा कहा कि ब्राह्मण मैं उस क्षत्रिय से नहीं हूं, हमारे मुंह से जो निकल गया दे दिया तो दे दिया, यह मत सोचो कि कोई संकल्प नहीं करेगा तो मैं तुझे वापस नहीं दूंगा, दे दिया, चल तू ही बोल संकल्प। वही ब्राह्मण संकल्प बोला और राजा देवदास उसके शरीर हाथ पर रख दिए। और तब बोले पुनः राजा देवदास, ब्राह्मण तू अपना परिचय बता, अब तो तुझे विश्वास हो गया कि मैं दे दिया। कहा कि हाँ, अब वह अपना रूप में आ गए। देवदास तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, कि तुम कब से भीख मांगने सीखा, औघड़ दानी तू तो देने वाला है, श्मशान घाट पर रहने वाला है, तुमको तो पार्लर में भी जाने की जरूरत नहीं है, श्मशान घाट का ही मुर्दा का राख ही तू पाउडर के रूप में मल लिया, अब मांगने का कब से कला सीख लिया। कहा कि राजन आज से, कब तक मांगेगा, बस आज भर। कहा कि क्यों मांगा। कहा क्या बताऊं राजन, तुम्हारी मां गौरी, पहले के जमाने में लोग अपने पत्नी का नाम नहीं रखते थे, है ना, नहीं रखते थे, पत्नी भी अपने पति का नाम नहीं रखती थी, अब तो पत्नियां कहती है अक्सर, डब्लू ककलू चबलू जरा चाय बना कर लाओ, डब्लू बबलू कबलू भी कहते हैं, पिंकी टिंकी सिंकी बैठो मैं ला रहा हूं बनाकर, अपने मित्रों से बात करो मैं ला रहा हूं। यह जनरेशन बड़ा गैप हुआ है, इसको जनरेशन गैप कहते हो, जमाना बदला है। शंकर जी भी नाम नहीं बताए पार्वती जी का, गोरी थी इसलिए गौरी कह देते थे, हिमालय की पुत्री थी इसे हिमालयी भी कह देते थे, या कभी गणेश खड़ानंद की माँ का काम चला लेते थे। अभी भी हम लोग देखते हैं देहातों में फलाना के माँ फलाना की माँ ही कहकर काम चलाते हैं, उनकी काम तो चल गई, उम्र तो बीत गई, लेकिन अब युवक युवतियों का काम तो चल नहीं रहा है जी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ गौरी के साथ मैं हिमालय पर रहता हूं ना, नहीं जानता हिमालय गौरी के पिता का क्षेत्र है। वह कहती कि मेरी सारी बहनें अपने अपने मायके चली गई, अपने अपने ससुराल चली गई, अब बताओ हमारा तो कोई पिता ही नहीं, हम किस ससुर को यहाँ ले जाएं उसको। कहती कोई नौकरी उकर करो, कहीं इम्प्लॉयड हो जाओ तो हम लोग भी कुछ मिलेगा तो रहेंगे, अब हमको कोई नौकरी पद भी रखने वाला नहीं है, इसलिए सोच करके मैं सबसे पहले राजन अपने पुत्र गणेश को मैंने भेजा कि जाओ इस पृथ्वी पर देखो तुम्हारी माँ कराने लायक जगह। गणेश खोजते खोजते जब यहाँ आया, यहाँ से लौटा नहीं, मैं आकर देखा कि वहाँ पर बड़े गणेश छोटे गणेश के रूप में यहीं बैठा है, मैं जब गया बोलने के लिए तुम यहीं बैठ गया तो चुप मुंह लटका लिया, डांटा कि क्यों बैठ गया यहाँ। कहा क्या कहूँ पिताश्री, आप धर्म के रक्षक हैं,
यह यह नगरी धर्म पर टिकी हुई है, राजा अत्यंत धर्म आत्मा है, यह युद्ध इसे कर नहीं सकते हैं, भीख मांगकर इसे ठग नहीं सकते हैं। अब इसे यहां पर चुपचाप आश्रय लेने के सिवा, तपस्या करने के सिवा दूसरा साधन ही क्या है। यह बात सूर्य को भेजा था उन्होंने, सूर्य को देखे कि नजदीक आया, सूर्य तुम क्यों नहीं लौटकर खबर दिया। सूर्य भी मुंह लटका लिए, बहुत जब पूछे शंकर जी, कहे कि आप भोले बाबा मैं क्या कहूं, जब मैं त्रिलोक में घूमते घूमते काशी में आया तो देखता हूं कि यहां पर सब जो है पावन है, पवित्र है, सब अपने अपने धर्मों में स्थिर है, यहां कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई फ्रॉड नहीं है, सब अपने मर्यादा में है। इस मर्यादा में रहकर तपस्या करना ही उचित समझा, अपने जीवन को मैं कल्याणमय करना समझा, इसलिए मैं भी यहीं रुक गया। लोलार कुंड पर सूर्य रुका हुआ है। इस तरह से उन्होंने कार्तिकेय को सब देवताओं के यहाँ जो जो भेजे थे सब के यहाँ गए, सब देवता लोग कहे, काशी में जगह जगह रुके थे सब लोग, भैया हम तो रुक गए हैं, कौन मुँह ले अवधपुर जाए, किस तरह से आपको खबर दें, और इसे युद्ध भी कैसे करें, भीख भी कैसे मांगें, असमर्थ हैं, यह तो मांगने से ज्यादा देता है। अब कभी इसके नगर में मैं कोई अधर्म देखा ही नहीं, इसलिए हम लोग धर्म के नगरी में धर्म ही करना उचित समझा। देखो बड़ा भाग मानुष तन पावा, यह बात है, तुम लोग मनुष्य तन पाया है, मनुष्य तन से तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, देवता परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता है। देवता एक पोस्ट है, पद है, मैं आप लोगों को सैकड़ों बार बताया हूं, अभी जो ब्रह्मा के पोस्ट पर विश्वामित्र हैं, इंद्र के पद पर सत्यव्रत हैं, और वेट फॉर पोस्टिंग ब्रह्मा के जगह पर वशिष्ठ जी हैं, इस तरह से सब यह पद है, और ये लोग भी मनुष्य जोनी से करके उत्तम जोनी को, देव जोनी को प्राप्त किए हैं, लेकिन दो देव जोनी से परमात्मा जोनी को प्राप्त नहीं करेंगे। तुम सीधे इस देव मनुष्य जोनी से परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, छलांग लगा सकता है। मनुष्य में यह सामर्थ्य है, इसीलिए जब भगवान राम को उपलब्ध हुए तो शंकर ने भी आकर प्रार्थना किया, ब्रह्मा ने भी प्रार्थना किया, भगवान कृष्ण मनुष्य जोनी में आए तो उनको भी ब्रह्मा और शंकर प्रार्थना किए हैं, और भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वह चुप मौन बैठ गए हैं, तो उनको भी इंद्र आकर समझाए आप ज्ञान दीजिए, उन्होंने रिफ्यूज किया, तब ब्रह्मा आकर समझाए प्रभु आप ज्ञान के लिए निकलिए, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ज्ञान बांटूं, जिसको उपलब्ध होना उपलब्ध हो जाएगा, मैं भी हो गया। ब्रह्मा ने कहा यह तो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है कि समुद्र किनारे पहुंच गया है, जो आपकी दिव्य झोंका लगे, दिव्य आभा लगे, और दिव्य झोंका आभा लगते ही वह समुद्र में गिर जाए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए, आपके लिए इंतजार कर रहा है, और आप यदि नहीं गया तो पुनः पतना ही कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा, इसका भागी कौन होगा। बुद्ध के यह मन में बात बैठ गई, ठीक कह रहे हो। तब बुद्ध ने निकला, और यही हाल भगवान महावीर के साथ भी था। भगवान में महावीर जब गोमुख गोदोहन मुद्रा में इस तरह से बैठ रहे थे, ज्ञान को उपलब्ध हो गए और वह भी शांत हो गए। जब एक लकड़हारा उनको मारते हुए कान में कील ठोकने लगा और यह तोपर भी मौन थे, तब एक बैक इंद्र प्रकट हो गए, इंद्र को देखकर लकड़हारा भागा। भगवान महावीर 12 साल में 365 दिन भोजन किए थे, इसका मतलब कि 12 दिन में एक दिन, एक ही दिन हुआ ना, जब किसी दिन भोजन मांगने गया तो तुम लोग फेरा मांग दिया, जब कभी गए तो भगा दिया, कभी गए तो कुत्ता छोड़ दिया। अब भोजन मांगने के लिए मुनि जी लोग जाते हैं तो डाक बोला जाता है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख, क्यों जी, यह भी बोलता है, जेठमल भी बोलता है, तब वो भिक्षा लेने जाएंगे, अब जमाना बदल गया। देखो यही परंपरावादी है, हर जगह परंपरा है, और परंपरा में मारे जा रहे हैं। जब फिर महावीर आएगा ढेला मारेगा, बुद्ध आएगा ढेला मारेगा, नहीं पहचान पाओगे। मैं एक छोटी सी घटना के बाद फिर देवदास की घटना बता रहा हूं। एक बार भगवान महावीर किलो बैठे हैं सामने, इसलिए याद आ रहा, फिर ही कहेगा कि तब हम लोग सरदार की भी बात कहिए यहां मानवता की बात कहते हैं, सदैव समाज की बात कहते हैं, यह परम यह जो है आ जाता है, इसलिए मैं सबका बोलता हूं। भगवान महावीर का एक प्रधान शिष्य था, यह देखो
यह नहीं है कि गुरु जी के साथ रहने वाला ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत लोग एक दिन के लिए आते हैं और बहुत प्राप्त करके चले जाते हैं, बहुत दिन साथ साथ रहते हैं कुछ नहीं प्राप्त करते हैं, इसलिए उनमें क्षमता ही नहीं रही तो क्या करेगा। यह आपके क्षमता पर डिपेंड करता है, योग्यता पर डिपेंड करता है। भगवान महावीर के साथ एक गोशालक था, गोशालक का नाम सुना है तुम लोग, गोशालक बड़ा तेज तरार था, विद्वान था। भगवान महावीर जो बोलते थे वह तो रेट टेप कर ही लिया, उनसे आगे भी कुछ बोलने लगा था, इसलिए गोशालक भगवान महावीर से अलग हटकर एक अपना पंथ चला दिया। गोशालक अनाउंस कर दिया कि भगवान महावीर कुछ नहीं जानते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं और मैं 12 साल तक रहा हूं हमारे उनसे, अच्छा तुम जान, हम उसे अच्छा तुम जानोगे, यह सब कहता है। देखो हम 10 बार यदि मैं कहूं आनंद अच्छा है तो तुम एक बार जरूर कह दोगे बहुत अच्छा कह रहे हैं गुरुजी, इसका प्रमाण है आपके पास। यदि मैं कह दूं कि आनंद बहुत बुरा है, क्यों जी संतोष, कहेगा कि गुरुजी मैं तो पहले ही जानता था बुरा है, आप ना कह रहे थे, यानी बुरा का कोई प्रमाण देना जरूरी नहीं है, बुरा तो प्रमाणित है उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मांगेगा, अच्छा मैं कहूंगा तो उसका प्रमाण तू मांग देगा। गोशालक जैसे ही कहना शुरू किया भगवान महावीर कुछ नहीं जानते हैं, यह शिष्य में बड़ी तेजी से फैला, यह सच कह रहा है, तो 12 साल रहा कुछ नहीं जानते, और बुद्ध भगवान महावीर से ज्यादा गोशालक के शिष्य बनने लगे, गोशालक का संप्रदाय बन गया, गोशालक के हजारों लोग चलने लगे साथ साथ, ब्रह्मचारियों का बदल गया संप्रदाय। गोशालक टूट गया, चुक गया, यदि टूका नहीं रहता, चुका नहीं रहता तो आज भी गोशालक का संप्रदाय रहता। एक बार पता चला कि एक नगर में गोशालक प्रवचन दे रहा था, भगवान महावीर भी अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। भगवान के शिष्य ने कहा कि भगवान वह आपका शिष्य रहा है उस पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, वह कुछ जानता नहीं ना है, उसको एक बार बुलाकर समझा दीजिए। भगवान महावीर शिष्यों को ज्यादा उतावला रहती है, हम भी कहीं जाते हैं पंजाब वंजाब तो कहता है गुरु जी यहां चलिए वहां चलिए देखने के लिए घूमने के लिए, है ना जी, उतावला रहती है। भगवान महावीर तो इग्नोर करना चाहते थे लेकिन नहीं माना, कहा कि अच्छा बुलाओ, लोग गए बुलाने के लिए, इंद्र जैन भी गया था बुलाने, उसमें वह कह दिया गोशालक को, गोशालक ने कह दिया सुनो इंद्र, तुम्हारा भगवान महावीर कुछ जानता नहीं है, झूठा महावीर लिखता है, मैं आत्मदर्शी हूं, उसको कह देना कि अंत में आत्मदर्शन न हो, आत्म उपलब्धि न हो तो मेरे यहां आएगा, मैं चुटकी बजा दे उसे बता दूंगा। बड़ा शिष्य फेरे में पड़ा, आकर के कहा उनसे, फिर कहा कि भगवान आप चलिए, आज प्रवचन कर रहा है उसमें चलिए। कहा क्यों ले जा रहा है हमको, नहीं माने शिष्य, सब कहे कि चलिए उसको संदेश जरा दे दीजिए, हो सकता है आप जाएं तो 12 साल रहा है उठकर खड़ा हो जाए। भगवान महावीर कहे कि उठकर खड़ा नहीं हुआ तब तो आपको क्या अंतर पड़ता है, उसका तो कल्याण होना चाहिए। नहीं माने शिष्य लोग लेकर गए, शिष्य तो बड़ी कामना करता है, भगवान महावीर को लेकर गए, गोशालक ऐसे उच्चासन पर बैठा था, भगवान महावीर उधर से नंगे आ रहे थे, हजारों शिष्य भी आ रहे थे, अब क्या करे, 12 साल तक प्रणाम किया था, गोशालक संकट में पड़ गया। एक तरफ मेरे शिष्यों की समाज, यदि मैं इसे प्रणाम करता हूं मेरे शिष्य क्या होंगे, मेरा क्या होगा, यही अहंकार है, यह झूठा अहंकार ले डूबता है इस आदमी को। गोशालक आया तो कहा कि देखो भगवान महावीर जो अपने को भगवान कहता है आ गया है, इसे बैठने को जगह दो, और यदि आत्मा को उपलब्ध नहीं हुआ होगा तो इसे मुझे आत्मपद उपलब्ध कराना पड़ेगा। महावीर सुने लेकिन माने नहीं, नजदीक आ गए, गोशालक को दंड प्रणाम करना और अकड़ कर बैठ गया। कहा गोशालक
मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारे पिछले जन्म का भी जानता हूं, तुम्हारे जन्म के जन्म का भी मैं जानता हूं, तुम्हारा कई जन्मों का इतिहास मेरे सामने नाच रहा है। तुम अपना समय मत गवाओ गोशालक, अहंकार छोड़ो, आ जा मेरे साथ। आज नहीं कल, कल नहीं परसों तू उपलब्ध हो जाएगा गोशालक, मैं तुझे आश्वासन देता हूं। नीचे खड़े होकर, चूंकि भगवान महावीर को अहंकार नहीं, वो तो करुणा मूर्ति हैं, उनको अंतर नहीं पड़ता है। तू प्रणाम करो या ढेला मारो, गाली दो या पत्थर मारो, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। कारुणा या अधर्म, मैं बताया था तुम लोगों को, वासना शरीर से उत्पन्न होती है, प्रेम मन से उत्पन्न होता है, करुणा आत्मा से उत्पन्न होती है। भगवान महावीर कारुणिक है। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर निलोठी मोड़ नांगलोई दिल्ली 110041।